राजस्थान का यह प्रसिद्ध लोकगीत फाल्गुन के महीने में होली के महाउत्सव में चंग की थाप का महत्व बयां करता है। चंग का नाम आते ही मन में होली के माहौल की तस्वीरें खुद ब खुद उभरने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो चंग का होली के साथ चोली दामन का साथ हो, लेकिन होली के इस हमसफर की थाप आजकल कहीं खोसी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल के जमाने में मॉडर्न संगीत के सामने लोक कलाओं का रंग फीका पड़ने लगा है। एक जमाना था जब चंग की थाप होली की पहचान हुआ करती थी, लेकिन आजकल चंग बनाने वाले निर्माता इसकी खोई हुई पहचान को लेकर काफी दुखी हैं। होली की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले चंग का दौर शुरू हो जाता है। किस तरह से चंग की बिक्री हो रही है? देखो, जब से ये कोरोना हुआ है ना भाई साहब, जब से थोड़ी चंगे आएंगे कमी बिक रही है। अब होली का सीजन आने वाला है 28 तारीख को, 8 तारीख होगी 18, एक हफ्ते भर में जो भी बिक्री हो जाएगी वो हो जाएगी। बाकी अब तक तो क्या है, जैसे एक चंग बिका फिर दो दिन बाद में एक चंग बिका, ये माहौल चल रहा है अभी। एक जमाना था जब गांव देहात के लोग टोलियां बनाकर अजमेर में नया बाजार क्षेत्र से चंग खरीदने के लिए आते थे और गाते बजाते गुलाल उड़ाते वापस अपने गांव जाते थे। उनके इस अलहड़ अंदाज को देखने के लिए शहर में भी लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है और लोगों का अंदाज भी बदल चुका है। हम भी अजमेर शहर में इसी प्रकार की राजस्थान में ऐसी संस्कृति को जीवंत रखना चाहते हैं, ताकि शहर में जिस प्रकार से चंग बन रहे हैं, तो इस चंग जो बनाई की जा रही है, तो निश्चित रूप से इस बार कहीं ना कहीं जनता का रुझान बढ़ेगा, आम लोगों का रुझान बढ़ेगा, ताकि हम भी इस प्रकार की टोलियां बनाकर शहर में हर चौराहे पर बजाकर दिखा सके। गोपाल बंजारा। राजस्थान के मारवाड़ में जोधपुर पाली आदि इलाकों में आज भी चंग पहले की ही तरह लोकप्रिय है, इसलिए इन क्षेत्रों में चंग खरीदने होली के त्योहार के समय में जोर शोर से की जाती है। वहीं राजस्थान के दूसरे इलाकों में अब इसकी खरीद फीकी पड़ने लगी है और रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। अब लोग कोरोना की वजह से भी चंग की खरीद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। चंग निर्माताओं को अभी भी यही उम्मीद है कि चंग की थाप एक बार फिर से होली पर लोकगीतों की खूबसूरती में चार चांद लगाएगी। ईटीवी भारत के लिए किशोर सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।